Good morning, students. Yesterday we have finished solution. Although I want to repeat some portion of this chapter, solubility. I will once again discuss about the solubility. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of the solvent at a specific temperature. ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पार्टिकुलर अमाउंट में जो सब्सटेंस आप डिजोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं उस अमाउंट को ही उसकी सोलुबिलिटी कहते हैं। तो सॉलिड इनटू लिक्विड में कर सकते हैं, गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड इनटू लिक्विड का जो सोलुबिलिटी होता है जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देयरफॉर ऑन हीटिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज और इंक्रीज कर जाता है। ऐसे और भी फैक्टर आप पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़े थे, प्रेशर पढ़े थे और नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट पढ़े थे ना। लेकिन वही अगर गैस हो तो गैस की सोलुबिलिटी जो होती है लिक्विड में वह इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यही वजह है कि हीट करने से क्या होता है, उसकी सोलुबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये मैं रिकॉल करा दिया। इसके बाद इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, दोनों डिस्कस कर दिए। फिर मैं ग्लोबर सॉल्ट का चर्चा कल किया था ग्राफ में ना, कि सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड जो सोडियम सल्फेट होता है टू पार्टिकुलर टेम्परेचर आई थिंक 35.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता होगा। इट्स सोलुबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एक्चुअली अप टू दिस टेम्परेचर। इट इज हाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट विच इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर इट्स सोलुबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। बाद में होता क्या है कि वह अनहाइड्रस हो जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? अनहाइड्रस में बदल जाता है, जिससे उसकी सोलुबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, और खासकर गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो गैस की सोलुबिलिटी जो होती है ये आपको हेनरी लॉ से गवर्न होता है, व्हिच स्टेट दैट द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा वो सोलुबल होगा ना। और द लॉ स्टेट दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इफ द सोलुबिलिटी ऑफ द गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देन इट इज डिफाइंड एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, विच इंप्लाइज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, विच इंप्लाइज पी इज इक्वल टू के एच इन टू ए काई। ठीक है, फिर के एच हेनरी कॉन्स्टेंट ना, तो हेनरी लॉ के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन था ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। हेनरी लॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक एक्सिस पर ले लिए, दूसरे पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले लिए, तो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, वो शो करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग के एच की बात करें, ठीक है, तो देखो के एच को हम लोग अगर हम लोग रीअरेंज कर लें तो देखिए, अगर आपको के एच की बात कर लें, यहां से हम लोग के एच बराबर लिख सकते हैं क्या, पी अपॉन काई, यही ना होगा फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर जिस दो गैस है, दो गैस है आपका, एक गैस ए है और दूसरा गैस बी है, इसके लिए आपका के एच का वैल्यू, के एच का वैल्यू 7 यूनिट है। कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। ठीक है, और बी के लिए के एच का वैल्यू, के एच का वैल्यू 5 यूनिट है। तो बताइए कौन सा गैस ज्यादा सोलुबल होगा? एनीवन? हाँ जी बोलो अन्वेषा, तुम बोलो। 7 सर, 7 यूनिट मतलब ए, ए ज्यादा सोलुबल होगा ना। यस सर। सौम्या, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा। हाँ सौम्या, तुम्हारा क्या कहना है? दो गैस हैं ए और बी, ए का के एच का वैल्यू 7 यूनिट दिया हुआ है, बी का वैल्यू, बी के लिए के एच का वैल्यू 5 यूनिट दिया हुआ है, तो विच वन विल बी मोर सोलुबल इन लिक्विड?
क्वेश्चन सर 7 मिनट 7 मिनट। क्वेश्चन पासेज टू राकेश। क्वेश्चन पासेज टू सत्य प्रकाश। एक है सर। हाँ बेटा, एक एक का देखते हैं। देखिए, यही ना है जहाँ एक्स जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको काई पढ़ा जाता है एक्चुअली, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, ठीक है। और वेयर काई इज एक्सप्रेस्ड फॉर सोलबिलिटी इफ द सोलबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ना, विच इम्प्लाइज के एच इज इक्वल टू पी बाई एच, दैट मीन्स के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई। तो अगर जिसके लिए काई का वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, या ऐसे कह दीजिए के एच के अगर वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो एक्स क्या होगा, कम होगा, मतलब कि सोलबिलिटी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू 7 है तो यह कम सोलबुल होगा, यहाँ वैल्यू या वैल्यू जो है के एच का 5 है यह ज्यादा सोलबुल होगा। क्लियर है ये या नहीं? जब जब पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा तभी ना। हाँ, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया ना, यही ना आपका है कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, या काई बराबर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, पी अपॉन के एच, फिर के एच क्या हो गया आपका हेनरी कांस्टेंट, काई क्या हो गया ये सोलुबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पहले ही मैं डिफिनेशन देने से पहले बोल दिया था, सोलबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर फार्मूला हम लोग ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच गए तो काई और के एच में इनवर्स रिलेशन है, जिसका अगर वैल्यू ज़्यादा होगा वह कम आपका स्लोबुल होगा। तो यहाँ पर ए जो होगा कम स्लोबुल होगा, बी जो होगा वो ज़्यादा स्लोबुल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा या क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, वो सोल्व हो जाएगा। अप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में देखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है कि एयरेटेड ड्रिंक्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हाई प्रेशर पर बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको चील कर देते हैं, ठीक है। किसी को नहीं देखे होंगे कि लिमका लिए, मजा लिए और गर्म करके पी लिए, तो गर्म करके पीने से क्या होगा, टेंजी टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो उसको सॉफ्ट ये कूल कर देते हैं, कूल करने से उसकी सोलबिलिटी बढ़ी हुई रहेगी, साथ साथ हाई प्रेशर होता है, जैसे ही बोतल खोलते हैं आवाज़ आती है ना, प्रेशर घटने लगता है और उसमें गैस डिजोल्व रहता है, फिर उसको पीते हैं आपको टेंजी टेस्ट मिलता है। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, शीशा के गिलास में ले लीजिए, हाफ लीजिए, हाफ से बल्कि कम लीजिए, उसमें एक पिंच कॉमन सॉल्ट खाने वाला डाल दीजिए, देखिएगा कि एकदम पूरा ग्लास भर गया बबल से, ऐसा क्यों होता है? तो इसको, इस इफेक्ट को हम लोग साल्टिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहा जाता है? साल्टिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। सिंस CO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड, वाटर मोलिकुल्स आर एंगेज्ड इन होल्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल्स, बट व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर विच इज ए पोलर आयनिक कंपाउंड, वाटर मोलिकुल्स विल बी एंगेज्ड नाउ होल्डिंग द NaCl and leaving behind the carbon dioxide which might dissolve, therefore it will be free and it will try to escape out. Now, this is known as salting out effect. कोई बच्चा फिर अभी आया है ज्वाइन करने, चलिए उनको भी ज्वाइन ज्वाइन खेल लेते हैं उनके साथ। अंकिता कुमारी, टाइम पर ज्वाइन किया करो अंकिता तुम। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बता दिया है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हमें साल्टिंग आउट इफेक्ट। What is salting effect? When NaCl is added to aerated drinks, the water molecules are engaged in holding the common salt, na? Leaving behind the free carbon dioxide which will escape out in the form of the bubbles. Na? This is known as salting out effect. Bends in the cuba, scuba divers. ना स्क्यूबा डाइवर्स जब सी में डेप्थ में चले जाते हैं, गोता लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल सिलेंडर उनके साथ होता है, वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा घुल जाता है उनका ब्लड स्ट्रीम में। जब वो सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर आते हैं तो अचानक उनका वाटर का प्रेशर घट जाता है उन पर, जिसके वजह से क्या होगा आपको कि
solubility of gas decrease karne lagega, which will escape in the form of the bubble from the blood stream, jiske chalte blood stream mein bubbles ban jayega, painful ho jata hai, jiske chalte kabhi kabhi divers ka death ho jata hai. Tab hum log us case mein kya karte hain ki usme artificial cylinder mein hum log helium gas add kar dete hain. To helium gas add karne se kya ho jayega aapka, ki helium is less soluble in blood. Therefore, less bubbles will be formed when the scuba divers will come on the surface of the water. ठीक है, एक वर्ड एप्लीकेशन इसका और है एनोक्सिया. लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ माउंटेनर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके वजह से ब्लड स्ट्रीम में कम होगा. ठीक है, जिसके वजह से एनोक्सिया होता है, एक रोग होता है जिसमें भूलने की बीमारी होती है, ब्रेन कम डेवलप करता है, चेहरा लाल हो जाता है. ठीक है, पहाड़ी लोग को अक्सर देखिएगा. इसके बाद क्या कहा जाता है, चलिए इसके बाद रॉल्स लॉ पढ़ा दिया हूँ मैं. रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन डील किया हुआ है सब ये. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार हम लोग पढ़े. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखे थे. ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज का चर्चा कर चुके थे, आइए कुछ और हम लोग पढ़ते हैं. जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है, ऑस्मोसिस में पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ. हाँ, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया हूँ, ये है क्या, आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको. तो देखिए, ए एक कंपोनेंट है. ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, अननोन सॉल्यूशन है. कैसा सॉल्यूशन है, तो अननोन है. कैसा सॉल्यूशन है, तो अननोन है. ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन बी कंटेनर में रखा हुआ है. ठीक है, किस में रखा हुआ है, बी कंटेनर में रखा हुआ है. ठीक है, लेकिन इसका ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, नॉन है. क्या है, नॉन है. ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन है. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ए जो होगा आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब अगर एक हम कंटेनर ले लिए सी, ठीक है, और सी में भी सॉल्यूशन रखा हुआ है. ठीक है, अगर आपका सी का इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, ऑस्मोटिक बी के से ज्यादा हो, तो ये आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा. कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, हाइपरटोनिक. अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का ये क्या कहा जाता है आपको, सी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, तो ये हाइपर मतलब ही होता है हाई. अगर ऐसा होता ना, कैसा होता, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी. ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कम हो रहा है, किसका, सी का, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता. कैसा सॉल्यूशन कहलाता, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा.
ठीक है, तो तीन वर्ड यहाँ पर आप सीखे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ना हाइपो मतलब होता है बिलो, कम वाला हो तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हो तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अगर एक का मोलिकुलर वेट m1 है और दूसरे का m2, एक में w ग्राम सॉलिड डिजॉल्व है तो दूसरे में w2, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा w1 अपॉन m1 डिवाइडेड बाय w2 बाय m2, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इतना आपको ये समझा दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये हम समझा दिए। अब जैसे देखो होता क्या है कि ब्लड ले लो, ब्लड सेल एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड ले लो और इसको फ्रेश वाटर में डाल दो। कैसे वाटर में डाल दो? फ्रेश वाटर में डाल दो, फ्रेश वाटर में डाल दो, तो बता सकते हो क्या होगा? एनीवन? ब्लड ले लिए, ठीक है, और इसको हम लोग फ्रेश वाटर में डाल दिए, हाँ बोलो बेटा, घुल जाएगा। देखो जैसे ही हम लोग ब्लड डालेंगे, ब्लड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर मोलिकुल्स इसके तरफ इसके अंदर घुसने लगेगा ब्लड सेल में, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा और ब्रस्ट कर जाएगा सेल, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग किशमिश ले लिए, रेजिन सीड जिसको कहते हैं, किशमिश, किशमिश ले लिए और इसको हम लोग पानी में डाल दिए, ठीक है, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में डालने से क्या होगा आपको कि पानी का, किशमिश के अंदर पानी नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उसमें शुगर ही बचा हुआ है और इसमें डाल दिए, तो होगा क्या कि इधर पानी का मूवमेंट, पानी ज्यादा है इसमें, पानी कम है, वाटर जो होगा इसमें जाकर के इसमें घुस जाएगा किशमिश में, तो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। ब्लड में जैसे पानी चला गया स्वेल कर जाएगा, फिर ब्रस्ट कर जाएगा, किशमिश में भी चला जाएगा पानी घुस जाएगा, ठीक है, ये होगा। सी वाटर में भी अगर ले जाते हैं हम लोग तो सी वाटर के रिस्पेक्ट में किशमिश में पानी कम होता है, ठीक है। तो उस केस में से अगर यहाँ पर आपका सी वाटर हो, सी वाटर रखा हुआ हो, ठीक है, तो पानी जो होगा आपको सी वाटर से निकल करके यहाँ चला जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। जैसे आप कहीं सफर में जा रहे हो, समुद्री यात्रा पर हो और अचानक आपके पास पानी पीने का खत्म हो गया, किशमिश बचा हुआ हो, कोई बात नहीं है, कटोरा से सी वाटर निकालिए, किशमिश डाल दीजिए, किशमिश एकदम बड़ा बड़ा फूल जाएगा, उसको खा लीजिए, पानी की कमी नहीं होने देगा, ठीक है। अब देखिए एक क्या कहा जाता है, मेरे पास मछली है, फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, वाटर फिश है, ठीक है, और इस फिश को, मछली बढ़िया नहीं बना यार मेरा, बाय द वे मछली है, ठीक है, और इस मछली को उठा करके फिश को ले लिए, ये फिश है मेरा, इस फिश को उठा करके, कैसा फिश है, फ्रेश वाटर, इसको सी वाटर में डाल दिए, समुद्र में डाल दिए, क्या होगा, फ्रेश वाटर फिश को, ठीक है, उठाए और क्या कहा जाता है, इसमें डाल दिए सी वाटर में, तो क्या होगा बोलो, एनीवन? सर फिश स्वेल हो जाएगी, हाँ मछली मर जाएगी ना, मछली मर जाएगी ना, फूल जाएगी, पेट फूल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए एक सी वाटर से हम फिश लिए, ठीक है, सी वाटर से फिश लिए और सी वाटर के फिश को उठाए और ले जा करके फ्रेश वाटर में डाल दिए, अब क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी, हाँ फ्रेश वाटर वाला को ले जाएगी, तो जानती हो क्या होगा,
मछली फूलेगी नहीं, यहाँ पर तुम लोग का आंसर उल्टा है। जैसे ये फ्रेश वाटर का है और ले जाकर हम लोग सी वाटर में डाल दिए, तो सी वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, और फ्रेश वाटर मछली में पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो मछली में से पानी निकल करके सी में चला जाएगा और मछली श्रिंक कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग ये सी वाटर वाला मछली ले जाए फ्रेश वाटर में डाल दें, तो मछली के अंदर पानी की मात्रा कम है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर उस मछली के अंदर घुस जाएगा, मतलब मछली फूल जाएगी, ठीक है, दोनों हालत में मर जाएगा। तो हर एक कंडीशन में आपको समझा दिया, समझ करके आंसर देने से आप मिस्टेक होने का चांसेस यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, हर घर में आजकल आरओ लगाना फैशन हो गया, हालांकि आरओ नुकसानदेह ही है मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिन नेसेसरी मिनरल्स भी उसमें प्यूरिफाई हो जाते हैं, छन जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस के मतलब क्या होगा, वो पहले मैं थोड़ा सा और समझा दूं एक डायग्राम से। जैसे हम लोग सबसे पहले तो रिकॉल कर दीजिए कि ऑस्मोसिस है क्या, ये सिलेंडर है और सर, हाँ बेटा बोलो सर, पानी गंदा हो तो गंदा पानी पीना अच्छा है या उसमें से मिनरल्स निकाल के पीना अच्छा है? पानी तो हर हाल में गंदा पीना नहीं है, ठीक है, गंदगी में क्या होगा, कीचड़ होगा, सॉयल होगा, सॉयल हम लोग के लिए सेहत के लिए तो है नहीं, लेकिन जो फ्रेश वाटर में मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, उसको प्यूरिफाई नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्यूरिफाई है तो ठीक है, ज्यादा प्यूरिफाई कीजिएगा तो अमेरिका की तरह अमेरिकन सब करता क्या है, आरओ का पानी पीता है, मिनरल के लिए ऊपर से टेबलेट खा लेता है, तो ऐसी जिंदगी जीना बेकार। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं ऑस्मोसिस को रिकॉल कराऊंगा। ये हो गया आपका फ्रेश वाटर या सॉल्वेंट, लिख लीजिए, लिख देता हूं मैं सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, इसे दिखला दिया हूं मैं, इधर से इधर होगा, and the necessary pressure na to required to prevent the osmosis is known as kya, osmotic pressure, yahi na ho gaya osmosis, the movement of solvent from solvent side to solution side is known as osmosis through the semi permeable membrane and the extra pressure required to stop the osmosis is known as what, osmotic pressure, agar is osmotic pressure ko, ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा अप्लाई करने लगे, ठीक है, इफ प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, पी इज, यही पी है इस पर, एंड दिस इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा दे दिए तो क्या होगा, इसमें से सॉल्वेंट निकल करके इधर आना स्टार्ट कर देगा, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट बाहर आने लगेगा, तो ऑस्मोसिस के खिलाफ हो गया, इसी चीज को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। थोड़ा दस में परमिएबल मेम्ब्रेन तो अंडरस्टूड है कि आपको रखना है, ठीक है, और इसका यूज हम लोग डिसलाइनेशन ऑफ वाटर में करते हैं। डिसलाइन, सलाइन मतलब होता है सॉल्ट वाटर, ठीक है, और डिसलाइन सॉल्ट रिमूव कर दिए वाटर से तो डिसलाइन हो गया, प्योर वाटर में बदल गया हो, और फिर इसी को हम लोग, यही देखो सॉल्ट वाटर है यानी सी वाटर है, ये रखा हुआ, इधर हम लोग का पिस्टन फिट है, इस पर प्रेशर लगा दिए, ठीक है, इधर से वाटर निकल करके इधर चला जाएगा सॉल्वेंट साइड से थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रेश वाटर इधर टैप लगा करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर गए हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ द प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन द डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, जैसा कि मैं बताया वही चीज है ये आपको, ठीक है, अब नॉर्मल मोलर मास में बता चुका हूँ ना, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के चलते होता है, जहां पर एसोसिएशन होता है मोलर मास इंक्रीज करता है, जहां पर डिसोसिएशन होता है मोलर मास डिक्रीज करता है, पॉइंट ऑफ फैक्टर भी बता चुका हूँ कि ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू क्या होगा ना, तो ये आपका फॉर्मूला देख रहे थे, थैंक यू। इस तरह से एक टॉपिक आपका फिनिश होता है, मतलब हम लोग एक तरह से रिकॉल कर लिए, ठीक है, और इस तरह से आज आपका समय भी निकल गया है, तो जाइएगा नहीं सत्य प्रकाश, आप लोग भाग जाते